नजमुद्दीन शेख साहब, आपसे आगाज करना चाहूँगा। इस बार आम इंतखाबात में आप क्या मुख्तलिफ देख रहे हैं? जो इलेक्शन कैंपेन है वो आपको किस की ज्यादा भारी लगी है, कमला हैरिस की या डोनाल्ड ट्रंप की? नजमुद्दीन शेख साहब से भी बात करेंगे। मसूद खालिद साहब, आपको क्या लगता है माजी के मुकाबले में कितने डिफरेंट होने जा रहे हैं अब अमरीका के आम इंतखाबात? जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो जैसे आपने खुद ही कहा कि कांटे का मुकाबला है, नेक टू नेक कंपटीशन है, और मतलब द बैलेंस को टिप इन एनीवन्स फेवर। अब ये सिर्फ दो दिन रह गए हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है पहुंच पे है, कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है एट टाइम्स इट बिकम वेरी अनप्रडिक्टेबल, तो इस वक्त भी यही सूरत हाल है। और अब देखिए होता क्या है, इसमें स्विंग स्टेट्स का भी बड़ा रोल होगा। कोई 7-8 स्विंग स्टेट्स हैं जो कि किसी तरफ भी अपना पलड़ा जो है वो जा सकती है। तो माजी के मुकाबले में मसूद साहब, इस बार स्विंग स्टेट से भी कोई ठीक तरीके से फैक्ट सामने आ नहीं रहे हैं। पल पल सूरत हाल वहां पर बदल रही है, जो भी सर्वे, जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है। जी हाँ, जी हाँ। और फिर ये है कि डिवीजन है ऑब्वियसली अमेरिकन पॉलिटी में, लोग डिवाइडेड हैं। एक तरफ कमला हैरिस हैं जो कि एक खातून है, और उनकी जो है एंसेस्ट्री का भी इशू है, इंडियन ओरिजिन की हैं, ओरिजिनली फादर जमैकन थे, तो वो इशू है, बैक कहा जाता है। लेकिन बहरहाल सर, डेमोक्रेट्स की जो कैंपेन में बराक ओबामा ने उनका साथ दिया है, वो किसी भी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता है, किसी भी तरीके से उसको कम नहीं गिरदाया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इंतखाबी कैंपेन की है कमला हैरिस के साथ मिलकर। जी जी, बराक ओबामा ने किए, और कुछ तो लीडिंग रिपब्लिकन जो है उन्होंने फेवर किया है इनको, कमला हैरिस को। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लीडिंग लाइट्स है मीडिया की, यानी कि प्रिंट मीडिया, मैंने देखा, देखिए अपना ये न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने तो एडिटोरियली जो है वो कमला की जो है वो सपोर्ट की है। इसके अलावा और भी मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने आउटराइटली कहा, जो लीडिंग वहाँ कॉलमिस्ट हैं और ओपन राइटर्स हैं वो ये लिख रहे हैं कि ये डिजास्टर होगा अगर ट्रंप साहब दोबारा वापस आ गए। तो इस किस्म की सूरत हाल है, पोलराइजेशन है। ट्रंप जो है वो आपको पता है अंग्रेजी में वर्ड होता है डेमोगॉग, यानी कि वो मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, लोगों को अपील कर दी, कुछ नारेबाजी कर दी। अभी वो कल परसों शायद गए हुए थे वहाँ पर मिशिगन, उन्होंने वो पैलेस्टीनियन स्टेट का भी शायद एक इंडिपेंडेंट नारा लगा दिया। तो इस किस्म की जो गिमिक्री है वो एट टाइम्स यू नो कैंडिडेट्स को फेवर कर जाती है, बट लेट्स सी। राइट, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।